हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए जब भी आप एक गोल्ड फिश बाय कर रहे हैं। तो अगर ये 10 चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अगर आपके पास एक गोल्ड फिश है या फिर अगर आप एक गोल्ड फिश बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मिलाने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बात करते हैं, वो है डाइज वेरी क्विकली। ये जो फिश है ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है और अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है तब ये फिश को कभी भी बाय मत कीजिएगा। ये आपको बहुत ही गंदा एक एक्सपीरियंस दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है फूड्स वगैरह को लेके, उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप इस फिश को बाय कीजिए, अगर आप लोग को अगर फिश का ज़्यादा नॉलेज नहीं है कितना फीड करना है, क्या टैंक का टेम्परेचर होना चाहिए, क्या टेक केयर वगैरह करना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये फिश आपके लिए बहुत ही गंदा चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये फिश बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप इसको ज़्यादा फीड कर दीजिएगा, जो कि एक न्यू हॉबी स्टार्टिंग के टाइम में गलती से कर ही देते हैं, इसके वजह से भी ये फिश दिखेगा रेगुलर बेसिस में आपके दिखेगा रेगुलर बेसिस में मरते रहेगी और एट द एंड में आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ये सारे फिशेज से। इसलिए ये फिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और अगर आप एक न्यू हॉबी है तब ये आपके लिए बहुत ही गंदा चॉइस है। सेकेंड नंबर पे आता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये फिश अपने टैंक में रखने का, वो है ये फिश बहुत ही ज़्यादा पानी को गंदा करती है। अगर आप इस फिश को अपने टैंक में रखिएगा तो देखिएगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद में आपको जो भी पानी है वो कम्प्लीटली वाइट कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का, क्लाउडी कलर का हो जाएगा या फिर उससे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आएगा। इसलिए भी इस फिश को अपने टैंक में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप इसको अपने टैंक में रखते भी हैं तो आप लोग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड आ जाएगा। आप लोग रेगुलर बेसिस पर पानी वगैरह क्लीन करते रहना होगा, चेंज करते रहना होगा, जिससे कि इसका पानी जो है वो फ्रेश बना रहे, पानी जो है वो फिशेस को किसी भी तरह का नुकसान ना करे और पानी से किसी भी तरह का स्मेल वगैरह ना है, पानी जो एकदम साफ सुथरा रहे जिससे आप फिशेस वगैरह बड़े अच्छे तरीके से देख पाए। इसलिए भी अगर आप इस फिश को बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो ये चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिएगा कि इसका पानी जो है वो आपको रेगुलर बेसिस में क्लीन करते रहना होगा। और अगर आप नहीं कीजिएगा, जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट में बता रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पानी अगर आप चेंज नहीं कीजिएगा तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी या फिर पानी से या फिर एक्वेरियम से बहुत ही ज़्यादा फिश का स्मेल आने लगेगा। इसलिए अगर इस फिश को आप बाय कर रहे हैं तो ये सारे चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। उसके साथ ही साथ अगर बहुत सारा फिशेस को भी अगर अपने टैंक में रखिएगा तो इससे तो पानी और भी ज़्यादा तेज़ वाइट कलर का या फिर क्लाउडी हो जाता है, बहुत ही ईजिली हो जाता है। इसलिए अगर बाय कर भी रहे हैं तो ज़्यादा मत बाय कीजिएगा, 1 या 2 बाय कीजिएगा जिससे आप लोग के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और आप लोग भी इत्मीनान से इस फिश को रख पाए। थर्ड नंबर पे आता है फिश का ग्रोथ के ऊपर में। ये फिश बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी हो सकती है, ये टैंक में कम से कम आराम से 1 फीट की हो जाती है। इसलिए भी ये चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिए, ये फिश बहुत ही ज़्यादा बड़ी रहती है। ये ऐसा नहीं अभी अगर आप लेके आए छोटी सी तो ये हमेशा छोटी नहीं रहेगी, ये बहुत ही बड़ी बड़ी इत्मीनान से हो सकती है। इसलिए ये भी बहुत लोग को नहीं पता होता, वो लोग को बाद में ये चीज़ पता चलता है जिससे कि वो लोग फिर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या फिर वो लोग को पता नहीं रहता है तो वो लोग के पास एक बार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता तो फिर उसको वापस फिश शॉप वगैरह में देना होता है, जो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो लोग इतना टाइम स्पेंड किए हैं उसके साथ और वो फिश अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब अगर उसको छोटे टैंक में अगर हम लोग रखेंगे तो फिश क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा बीमारी आने लगे या फिर फिशेज मर भी सकती है। इसलिए ये भी आपको एकदम माइंड में सेट रखना है, ये फिश काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके टैंक साइज़ के ऊपर में। और ये टैंक में बहुत ही ईजिली अगर आप अच्छे से टेक केयर वगैरह कीजिएगा 8 इंचेस 9 इंचेस 1 फिट तक भी जा सकती है, वो आपके टैंक का साइज़ के ऊपर में डिपेंड करता है और आप किस क्वालिटी का फूड दे रहे हैं, कैसा वाटर क्वालिटी रख रहे हैं, क्या टेम्परेचर वगैरह रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ के ऊपर में भी डिपेंड करता है, बट टैंक में ये फिश बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है। फोर्थ नंबर पे आता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है, इस फिश का कोई भी दूसरा टैंक मेट्स आप नहीं डाल सकते। अगर आप डालिएगा तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है अपने इस फिश को। तो इसके लिए आपको जो सबसे बेस्ट टैंक मेट है वो वही सेम स्पीसीज की फिशेज ही है। उसके अलावा अगर आप कोई दूसरी फिशेज अगर ट्राई कीजिएगा, जैसे कि अगर कोई इरिडेशन शार्क फिश कीजिएगा, पैरेट कीजिएगा, ऑस्कर कीजिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टेट्रा फिशेज वगैरह डाल देते हैं, मॉलीज डाल देते हैं, गप्पीज डाल देते हैं, ये सारा चीज़ कभी भी आप इस फिश के साथ नहीं रख सकते क्योंकि आप इसका
माउथ दिख रहे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये फिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बड़ी भी होती है, जिसके वजह से छोटी स्पीसीज़ के अगर फिशेज हैं तो वो उसको बहुत ही ईजिली खा लेगी। और टेट्रास वगैरह अगर डालिएगा तो टेट्रास वगैरह इसका फिन वगैरह बाइट करेगा, निप करेगा, जिसके वजह से भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है इस फिश को। और इस फिश को दूसरे फिशेज के साथ कंफर्टेबल फील करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर इस फिश को बाय करने का आप सोच रहे हैं तो इस फिश के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसी के स्पीसीज की फिशेस को आपको अपने टैंक में रखना होगा। इसके अलावा अगर आप ट्राई कीजिएगा तो मे भी हो सकता है फिशेस बहुत सारा मरना स्टार्ट हो जाए, चाहे तो दूसरी फिशेस मरना स्टार्ट हो जाए या फिर आपके पास जो भी फिश है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाए। फिफ्थ नंबर पे आता है पावरफुल फिल्टर और एक एयर पंप होना 24/7 इस टैंक में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फिश जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पानी को गंदा करती है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पानी गंदा होने की वजह से एक पावरफुल फिल्टर आपके टैंक में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ फिल्टर ही नहीं, उसके साथ ही साथ एक पावरफुल पंप होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिश कंटिन्यूसली पानी में जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो सारे के साथ ही वो ब्रीदिंग करती है। अगर आपके टैंक में एक पावरफुल फिल्टर नहीं रहेगा तो पानी एकदम ही गंदा हो जाएगा, पानी एकदम वाइटिश हो जाएगा, पानी में अमोनिया, नाइट्रेट, ये सारा हार्मफुल केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा और इससे आपके फिशेस का बॉडी मेल्ट होने लगेगा, फिन्स वगैरह मेल्ट होने लगेगा और फिशेस मरना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इससे भी आप देखिएगा 24 घंटे आपकी जो फिशेस वो सिर्फ सरफेस में आके मुंह खोलेगी, बंद करेगी, मतलब एयर जो वो सरफेस है सरफेस से आके ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देगी। वो पूरा टैंक आपका खाली रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस में ही सारी फिशेस घूमेंगी। इसलिए भी इस फिश के लिए एक टैंक में बहुत ही पावरफुल एयर पंप होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस एयर पंप को और उस फिल्टर को 24/7 रन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ नंबर पर आता है रेगुलर फीड करना होगा। अगर आप ये फिश बाय कर रहे हैं तो आपको रेगुलर इंटरवल्स में फीड करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मॉर्निंग को थोड़ा सा दे दिया और थोड़ा सा शाम को दे दिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो इससे क्या होगा, देखिएगा अगर आपके पास बहुत सारी फिशेज है, अगर आप थोड़ा सा मॉर्निंग में देते हैं तो कुछ फिशेज जो वो बहुत ज़्यादा खा लेंगे, कुछ फिशेज बहुत ही ज़्यादा कम खाएंगे। इसलिए इससे क्या होगा, बहुत सारी फिशेज को सही से फूड वगैरह नहीं मिलेगा, जिसके वजह से जो कम मिल रहा है उसका ग्रोथ बहुत ही कम रहेगा, वो ज़्यादा तेज़ से ग्रो नहीं करेगी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगा। और जो ज़्यादा खा रही है, ज़्यादा भी अगर कोई फिश खा लेती है तो उससे भी क्या होता है, वो उस फूड को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो लोग फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ से मरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ये फिश को बाय कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल्स में आपको फीड करते रहना होगा, थोड़ा थोड़ा सा करते रहना होगा और अच्छे से टैंक में पूरा स्प्रिंकल करके करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम में थोड़ी बहुत फिशेस जो बड़ी थी अग्रेसिव थी वो लोग खा लिए, मे भी हो सकता है सेकेंड टाइम में जो छोटी फिशेस है वो लोग को फूड मिल जाए, थर्ड टाइम में फिर बड़ी खाएगी, ऐसे करके वो लोग को फूड देना होता है, जिसके वजह से सारी फिशेस जो है एट द एंड ऑफ द डे वो सारी फिशेस का पेट जो है वो भर जाए। ये चीज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फिश को अगर आप बाय कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस में फीड करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके पास बहुत सारे फिशेज हैं। अगर एक फिश है तब आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक या दो रहेगी तो तब तो आप बहुत बड़े इत्मीनान से अपने हाथ से कंट्रोल करके वो लोग को फीड दे सकते हैं। लेकिन मेनली जितना मैं देखा हूँ वो लोग के टैंक में बहुत सारी फिशेज होती हैं, बहुत सारी फिशेज को कंट्रोल करना पैलेट्स देते टाइम ये थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई फिश को अच्छे से पैलेट्स नहीं मिलेगा तो वो देखिएगा कमज़ोर होकर मर जाएगी। इसलिए अगर आप ये फिश बाय कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस में आप लोग को फीड भी करना होगा, जिससे कि ये लोग का जो भूख है वो मिटा रहे और ये फिशेज बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रहे। ये जो फिशेज होती है इसको नॉनवेज वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो ये लोग को फिशेज के डाइट में आप थोड़ा बहुत नॉनवेज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो होता है वाटर टेम्परेचर। ये फिशेज ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है वाटर टेम्परेचर को लेकर, कम से कम टेम्परेचर में भी रह लेती है, लेकिन अगर आप नॉनवेज वगैरह फीड में दे रहे हैं तो उस टाइम पे उस टैंक का जो टेम्परेचर है वो 26-27 डिग्री 28 डिग्री तक रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। अगर आपको 26 से कम जाता है तो तुरंत ही इस फिश को इंटरनल पैरासाइट्स होने लगे और ये फिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अगर ये फिशेज को अगर आपने टैंक में रख रहे हो, थोड़ा बहुत नॉनवेज वगैरह भी देते हैं, ड्राइड श्रिम्प्स वगैरह देते हैं, ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स वगैरह या कुछ भी देते हैं, तो अगर ये सारा नॉनवेज वगैरह दे रहे हैं तो उसके टैंक में एक थर्मोमीटर होना जो कि आपका टैंक का रेटिंग बताए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ उस टैंक में एक हीटर होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीटर रहेगा, टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो इससे फिशेज जो भी है बहुत अच्छे तरीके से फूड्स को डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये फिश का बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, ये जो भी चीज़ खाती है उसको डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाती है और सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाने की वजह से ये लोगों का पेट में तुरंत ही इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह हो जाता है।
इसलिए ये लोग के टैंक में एक हीटर होना अगर आप नॉन वेज वगैरह फीड कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पे आता है ये सारी जो फिशेस होती है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक रहती है। अगर आप ये सारी फिशेस का सही से देखभाल वगैरह कीजिएगा ये फिश बहुत ही ईजिली 10 to 12 years तक आपके टैंक में भी रह सकती है। 10 to 12 years सोच सकते हैं, एक डॉग लगभग डॉग के मुकाबले जितना भी है, डॉग भी 14 इयर्स तक में भी रहता है, वैसी एक डॉग की तरह डॉग का जितना लाइफ उससे भी ज़्यादा कई बार रह सकती है। ये फिश का लाइफ बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन टैंक में क्योंकि हम लोग सही से उसका टेक केयर वगैरह नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से इसका लाइफ जो टैंक के हिसाब से 10 to 12 years तक हो गया। उसको अगर आप सही पॉन्ड वगैरह देंगे तो पॉन्ड में तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही हेल्दी रहेगी और बहुत ही ईजली। ये फिश बहुत ही हैवी होती है, बहुत भारी, बहुत बड़ी साइज़ की भी होती है और बहुत ही ईजली 15-20 years तक भी जा सकती हैं। लेकिन टैंक में उतना साल तक तो वो नहीं रह पाएंगे क्योंकि टैंक का बहुत सारा चीज़ जो होता है वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं करता है, जिसके वजह से टैंक में ये सारे फिशेस को रखने से उन लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो घट जाता है। टैंक में एट एवरेज 10 to 12 years तक आप पकड़ सकते हैं, तो सोच सकते हैं आप ये फिश बहुत ही सालों तक आपके साथ रह सकती है अगर आप ये सारे फिशेज को बाय कर रहे हैं तो। 9th नंबर पर आता है प्रॉपर लाइटिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग मेनली देखते हैं ये सारे फिशेस को जब हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्राइट रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोगों कलर्स जो वो फेड होने लगता है। फेड क्यों होने लगता है? अगर ये सारे फिशेज़ को आप बहुत प्रॉपर लाइट वगैरह प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तो आप देखिएगा ये सारे फिशेज़ का जो कलर है वो धीरे 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 करके फेड होने लगे, वाइट कलर का होने लगेगा। इसलिए अगर आप ये सारी फिशेज़ अपने टैंक में रखे हैं तो एक अच्छा क्वालिटी का लाइट आपके उस टैंक में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी फिशेज़ के लिए वो लाइट को भी आपको मिनिमम भी 6 to 7 hours के लिए ऑन रखना होगा जिससे कि ये लोग ब्राइट एंड कलरफुल रहें। अगर आप देखिएगा 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक बिना लाइट का अगर ये सारी फिशेस को रखिएगा तो आप देखिएगा धीरे धीरे अगर वो रेड कलर के थे तो वो धीरे धीरे करके अपना कलर को जो है वो लॉस करते जाएंगे। इसलिए ये सारे फिशेस के टैंक में एक प्रॉपर लाइटिंग भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10th और last नंबर पे आता है ये फिश बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है टेम्परेचर के मामले में। ये फिशेस बहुत ही कम टेम्परेचर तक में भी बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर लेती है। अगर आपका फिश पॉन्ड वगैरह उसमें अगर पूरा टॉप में बर्फ़ भी जम चुका है उसके नीचे में भी अगर ये सारी फिशेस हैं तो बड़े इत्मीनान से ठंडे के टाइम पर रह लेंगे। ये लोग क्या करती है, ये लोग बहुत अपने आप को बहुत स्लो कर लेती है जिसके वजह से ये लोगों का मेटाबॉलिज्म वगैरह स्लो हो जाता है, जिसके वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा ठंडा से ठंडा पानी में भी बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने टैंक में हीटर नहीं लगाएंगे। टैंक और पॉन्ड का इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक टैंक जो होता है वो 1 से 1.5 फीट इतना ही बड़ा डीप होता है, लेकिन एक पॉन्ड जो होता है वो बहुत ही गहरा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिशेस जो होता है जब ठंडा का टाइम आ जाता है तो फिशेस क्या होता है एकदम पानी के गहराई में चली जाती हैं। जैसे जैसे पानी गहरा होता जाता है नीचे जाते जाते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे राइज होते जाता है, लेकिन वही पानी का जो टेम्परेचर टॉप सरफेस में होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बॉटम साइड में आपका पानी जो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए फिशेस क्या होता है ठंडे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बॉटम में चली जाती है और वहाँ पर वो लोग सर्वाइव कर लेती है ठंडा का एनवायरनमेंट को। लेकिन एक्वेरियम में ये सारा चीज़ नहीं है, 1 से 1.5 फीट में क्या टेम्परेचर चेंज होगा। इसलिए अपने टैंक में एक आपको हीटर लगाना ही होगा 24/7 ठंडे के टाइम पे, क्योंकि आपका टैंक जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। लेकिन ये फिश बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है, आप सोच ही सकते हैं बर्फ़ वगैरह जम जाता है उसके बाद भी ये फिश बड़े इत्मीनान से उस पॉन्ड में रह सकती है। सो फ्रेंड्स, यही था सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों को जान के रखना था इस फिश के बारे में। होप करता हूँ इसमें से मैक्सिमम जो होगा वो आप लोगों को नहीं पता होगा और आप लोग इस वीडियो से बहुत सारा नया चीज़ सीखे होंगे। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विथ मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।